कोई बात नहीं, अभी आप चुप कर जाए। हाँ जी, चाय पक गई, आ रहा हूँ मैं, वीडियो तो शुरू कर लूँ। अच्छा, आ रहा हूँ। रोटी पका ली? अच्छा, मौसम बिल्कुल सुहाना, बहुत ही प्यारा, लोकेशन ब्यूटीफुल। अम्मी जान इधर काम कर रही हैं, वो देखे लेके जा रही हैं। अच्छा, ये आखिरी बार डाल रही हैं? हाँ, आखिरी बार डाल रही हूँ। अच्छा अच्छा, फिर बाद में ना आपने भी खाना बन गया। हाँ हाँ, फिर सुकून से खाना भी खाएंगे, खुद भी खाएंगे और घर वालों को भी खिलाएंगे। हाँ जी, सही है, ले जाए ले जाए। हाँ, तो ये बस थोड़ा सा रह गया है जी, बाकी ये बहुत जल्द खत्म होने वाली है मैल। और वो पता नहीं चारपाई कहाँ ले गए थे, कहाँ लेकर गए थे चारपाई? अच्छा अच्छा, परले कोठे में पड़ी थी, घर ले आए हो? उधर पड़ी। कौन से वाले कोठे में? अच्छा अच्छा, भाड़े में। आप उधर नलके पर चाय देने पहुंच गई हो? उधर एक मिनट रोक नहीं सकती थी? ये ऐसा ना किया करो, जब बंदा हाथ धोने गया होता तो वापस आता है तब देते हैं। अच्छा अच्छा, तो चलें जी, ये देखें किचन में रोटी भी पक गई और चाय भी पक गई। अभी अभी जो अम्मी ने कहा था कि अब्बू के लिए चाय पकानी है, पका ली है सभी? हाँ जी, पका ली है। हाँ, मुझे दे दी तो मैं पी लूंगा। ये देखे जी, ये है चाय, और माशाल्लाह दूध दूध था काफी, दूध वाली जो बनाई है। अच्छा, एक गाय का खीर, अभी चाय बना ली सारे दूध का? नहीं, शाम को क्या पिएगे अभी रोटी के बाद? शाम को बेचा को कैसा? और दूध तो आपने कहा वो एक गाय का था, वो हमने खत्म कर दिया। और देखा, ये दूध नहीं है, ऊपर से ढकना दो। चलो जल्दी कर। हाँ, ये लो, इसको उबालेंगे, फिर रोटी खाएंगे, फिर पिएंगे। नहीं है पीने का? अच्छा, ये चाय पकेगा। चलो कोई बात नहीं, चाय ही पक लेंगे। और इरफान भाई ने दुकान लगाई हुई है, वो देखे चीजें की। अच्छा, यार कभी माल्टे भी ले लिया करो, कभी फ्रूट भी ले लिया करो। माल्टे मिलते हैं दूर, जरा बखा उधर कैसे जाए? अच्छा, चक में भी मिल रहा है आजकल। उस दिन गए थे ना? हाँ, जाता हूँ ना खुल ले क्या? सही है। भिगो के रख दोगी? अच्छा, अब क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आ जाओ अंदर। थोड़ी सी बनाई है ना? हाँ जी, दोपहर को पिया है ना इन्होंने? कहवा बड़े असर वाला होता है। नहीं, जो रोज आदत बनी होती है ना, वो चाय से खत्म होती। एक दिन आया, चाय का वैसे एक नशा है, सर दर्द कहवा ही हटाता है। हाँ, पहले ज्यादा मतलब आँखें जो है ना वो नहीं खोल रही थी, जब चाय का वक्त हुआ, जब कहवा पिया फिर कुछ खोल गई। हाँ, ये कौसर बैठी है? हाँ, क्या सोच रही है? मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ। कुछ नहीं, चुप करके ऐसे ओ एक साइड पे ऐसे बैठी रही, बैठ रही, बैठ रही। कितने देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ? नहीं, इधर कमरान सर मुनीर से बात कर रहे थे। अच्छा, हो गई बात? हाँ जी, तब इसके शादी हुई थी ना, ये बिल्कुल इतने से थे। अच्छा, मैं भी छोटा सा था। हाँ, अभी भी हम ऐसे छोटे लगते हैं। आना, अब वड्डी वड्डे हो गए, और जोड़ी बहुत प्यारी लगती है आपकी। आपको देखने में वैसे लगेगी छोटी। हाँ, लेकिन आपसे कद में बड़ी है।
खाद बराबर है। बराबर है, सेम टू यू। आ जाओ सोबिया। हाँ जी आ रही हूँ, चलो आ रही हूँ। उठ जाओ, उठो भी सही। क्या करूं यार, तो बैठी हूं, अंदर सर्दी है। समीया से बात करते हैं फिर। ऐसा सीधा बोला भी आ जाओ, भी लोग कंप्लेंट नहीं हो रहा, भी लोग कंप्लेंट कर। हाँ जी, मैं तो बोल देता नहीं, मैंने तो बोल दिया ना कि समीया के पास चले, समीया से बातचीत करते हैं। अगले दिन मैं आया चूल्हे में। हाँ, मेरे ना तबियत सही नहीं थी। अच्छा, मैंने कहा मेरे भी ज्यादा, आपने उधर बाहर गए थे। हाँ हाँ, मैंने कहा मेरे भी ज्यादा, मैं ना पूरा विलोग यही चूल्हे में बनाऊंगा। अच्छा, किचन में, तो मैं बाहर इधर उधर कहीं नहीं गया। हाँ, यहीं पे खड़ा रहा और उनको बोलता रहा बार बार। हाँ हाँ, इतने मिनट बन चुका है, बाकी इतना रहता है, मत करो। ऐसा ना किया करो, व्लॉग जो है बाहर का माहौल चेंजिंग सारा कुछ दिखाना चाहिए। आज कितनी खूबसूरत देखे लोकेशन आ रही है, ब्यूटीफुल बैल आपने दिखाई ही नहीं। इस तरफ जनाना। समीया इधर बैठी है आज, क्योंकि समीया बाहर नहीं आई, क्योंकि ठंड थी, सर्दी की वजह से छप गई है। देखे कितना खुश हो गई है समीया, बहुत ज्यादा खुश होती है। बाल शाल खूबसूरत बनाया करते हैं। हाँ, ये लगाने कुछ भी नहीं देती ना, नहीं तो लगा रहे तो वो ऐसे करके खींच लेती है। हाँ जी, ये सब माशाल्लाह जो भी हमारे घर में खुशियां हैं समीया की वजह से है, इसीलिए ना हम समीया को भी मुबारकबाद देने आए हैं। सब की तरफ से समीया, आपने जो दुआएं की वो रंग लाई है, घर में खुशियां आई है, तो चलो मुबारकबाद हो गई। हाँ जी, सब के लिए दुआएं कर दी। हाँ जी, हाँ जी, चलो सही है। आप ही हंसते रहा करो। हंस तो रही हूँ। हाँ, अभी रोटी खानी है या देर है या नहीं? आप खा ले। आपने नहीं खानी? नहीं। क्यों? अभी मूड नहीं है, जब मूड होगा खा लूंगी। रोटी का कौन सा मूड होता है भला? दोपहर को हमने खाई नहीं, रोजाना दोपहर को बनती थी मिस्त्रियों के लिए। आज मैंने अभी खाई है थोड़ी सी, वो मसाला निकाल के खाया था। अच्छा, खा ली? एक रोटी रखी थी मैं और भाभी ने खाई। अच्छा, इसलिए मैं भी समझूं कि अभी क्यों कह रही है मुझे भूख नहीं है। हाँ जी। अच्छा, आपके दादा को कॉल की है, माशाल्लाह खैर से पहुंच गए। माशाल्लाह, उनका सफर राजी बाजी रहा, खुश रहे। माशाल्लाह। और अभी कह रहे थे कि हम होटल पर जाकर चाय पी रहे हैं, चाय के लिए हम क्या कह रहे हैं, देर कर रहा था उधर, आपने आदत बना ली हमारी चाय की। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे सारा दिन होटल पे बैठे रहते थे, चाय पीते रहते। हाँ, फौरन जो गए पे चाय पीने लग गए। हाँ जी, तो मैंने कहा खैर से घर पहुंच गया, तसल्ली हो गई, क्योंकि बुजुर्ग है ना, अकेले भेजना फिर बात बात दिल में के पता नहीं कहीं भूल जाए, या कहीं गाड़ी वाले और जगह ले जाकर बिठा दे। जी, सही बात है, सही है ना, बिल्कुल बच्चियों की तरह ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, मैं कर बात बढ़ाएगी, देसी बढ़ाया। है? अब तो आ जाओ, रिजवाना उठ गई हो। हाँ जी। चाय रोटी पकवा रही थी और अभी अंदर फिर बिस्तरे में चली गई, फिर आ रही है वो। देखे अच्छा, अब्बू को मिलने आई है। बादशाह, देखो मैं अभी हंस रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है अब। नहीं, अभी मैं आपका अब्बू भी हूँ, मामू भी हूँ, आपकी अम्मी है, कोई आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। इधर ले आए आप, बिल्कुल टेंशन ना लिया करो, ठीक है? आप रो क्यों रहे थे? कब? जैसे पानी निकल आता है, प्यार होता है, ये खुशी के आंसू होते हैं। कोई बात नहीं, आप बस खुश रहा करें ना, मैं बहुत खुश होता हूँ। हाँ जी, अब मैं खुश हो रहा हूँ, कुछ
कोई टेंशन भी नहीं, किसी चीज की जरूरत हो, कोई बात हो ना, खुल के मुझसे कर देनी है। ये नहीं कहना कि ये मेरे मामू हैं या कोई है। चलो ठीक है, मैं मेहंदी लेकर दूंगा आपको, जो चीज बोलोगी वही लेकर दूंगा आपके लिए इंशाल्लाह। ये खूबसूरत नथली भी बनवाएंगे, नथली बनी हुई है और बनवाएंगे वालियां, वालियां भी बनवा के देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बस खुश रहा करो, हम तो आपको हंसते हुए देखना चाहते हैं और आप जो है दिन ब दिन जैसे पहले रहती थी ना, हंसी खुशी मेकअप करना कर लिया करो, कोई बात नहीं। वो ना हम सोमिया को कहते रहे हंसते रहो मुस्कुराते रहो, तो दूसरी आ गई सेम मिलती जा रही। चलो ये भाई, ये भी हमारी बेटी है, वो भी हमारी भी बात में। अभी आप चुप कर जाए ठीक है, खुश रहा। आप लोग परेशान होते हो तब फिर उदासी तो होती है, आप लोग ना परेशान। जब औलाद परेशान हो ना तो माँ बाप को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हाँ जी, आप परेशान ना हुआ करें, हम आपके माँ बाप हैं, बिल्कुल ऐसा समझे कि हम ही आपके माँ बाप हैं। आप हमारे घर में पैदा हुई ऐसा समझ लो, हमें जो चीज भी लेनी हो देनी हो, किसी चीज की टेंशन हो बात मुझसे खोल के कर देनी है, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। मैं क्योंकि ये समझो ना, जैसे आप अपने सगे अब्बू को कहते थे, आप तो यही अब्बू है ना, तो आकर जो भी बेटी के दिल में होती है ना वो कह देती है कि अब्बू जी मैंने ये करना है। बेटियां जो होती है ना वो माँ बाप को बहुत प्यारी होती है। आप तो हमारी अच्छी बेटी है, कैसे खुश रहा करती थी हमारे साथ, हंसती मजाक करती थी, ऐसे ही रहा करें। ठीक है, हाँ जी, आप भी खुश रहोगे इंशाल्लाह। अभी आप टेंशन नहीं लेना। मैं नहीं लूंगा टेंशन, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं नहीं लूंगा। जब मैं टेंशन लूंगा तो आप टेंशन ले जाएंगी। हाँ जी, मैं खुश रहूंगा, आप भी खुश रहना। ठीक है, हाँ जी। चलो कोई बात बच्ची है, बहुत दिल दुखता है जब ये बीमार हो जाती है, अपने अब्बू को याद करती है जी, हमारा दिल दुखता है, आंसू निकल आते हैं उसकी हालत देखकर। जितनी हमसे हो सकता है तसल्लियां देते हैं कि हम ही आपके माँ बाप हैं, कोई टेंशन ना लिया करो जी। फिर भी कभी कभी उसके जहन में ऐसी बातें आ जाती हैं कि वो बार बार अब्बू अब्बू हमें छोड़ दे। सुबह भी ऐसे हुआ है तो अब्बू जी जितना कहते रहे कि मैं आपका अब्बू हूँ, कहते हैं नहीं अब्बू है, अब्बू नहीं है, बस रोते रोते बस कहते हैं मैं छोड़ के चले। अब्बू रोते हुए इधर वापस आता है कि उसको सोने दो कि अभी आप फिर रोने लगे, हालांकि आप आज तक हमने रोते हुए आपको नहीं देखा। क्या करें यार, बेटी है जी, दुखी है बेचारी, उसके दिल में पता नहीं जहन में जब उसके वालिद साहब फौत हुए तो पता नहीं क्या जहन में उसके बैठ गई कोई बात ऐसी। हाँ जी, तो फिर आपको पता है रोते रोते फिर दौरा पड़ जाता है, वो बेहोश हो जाती हैं। हाँ जी, मुझे बहुत दुख होता है। बिल्कुल, अम्मी भी आ गई हैं, अम्मी भी बहुत परेशान हो जाती हैं। जब उस दिन गई तो तबीयत का सुना कि खराब हो गया, तो इधर अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था कि चंगी भली हमने भेजी है। यार हमने दिल से बेटी माना है, ये नहीं है कि ऐसे बंदा कह देता है कि ये बेटी है, लेकिन हमने दिल से बेटी माना है। जब वो दुखी होती है तो हमें इतना दुख होता है कि हम आज तक अपनी औलाद के लिए इतने नहीं रोए जितना इसके लिए हमें दुख होता है जी। अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे, सेहत दे अल्लाह पाक उसे, आमीन। इंशाल्लाह आज जो मैं डॉक्टर के पास गई, मैं उसको सारी हकीकत बताई, जो इनकी असल वजह जो है ये बनी है। उस टाइम के दिन ये थोड़ी बहुत ही जो कोई यथी पवे तो इन टेंशन ले लेती है, जहन में। सिर्फ ये नहीं, अपने बाप को भुला नहीं रही। हाँ हाँ। जितना को खुशियां दो, जितना प्यार दो, खाना पीना दो, जो सारा दिन फिर भी हो अचानक से पता भी नहीं चलता, ऐसे बैठी होती है बेहोश थी। जब भी ये अकेली बैठती है ना, फिर सोचती है दिमाग में वही अब्बू वाली बात आ जाती है। हाँ जी। फिर रोने लग जाती है और बेहोश हो जाती है। तो इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ, सबसे कह रहा हूँ, अभी भी आपसे कह रहा हूँ, कभी भी किसी किस्म की इसके साथ कोई ऐसी बात गुस्से वाली या वो वाली नहीं करनी जी। हम नहीं करते, मैं तो वैसे भी कोशिश करता हूँ इसके साथ मजाक करता हूँ कि वो हंसे, हंसाया करो जितना हंसे, वो मशगूल रहे, ये काम इसकी उम्र नहीं है इतनी काम करने की जी। हम भी जानते हैं, बहन भाई भी कहते हैं कि रिजवाना से बहुत ज्यादा काम कराते हैं, ये है वो है। हम इसीलिए कहते हैं कि वो उनके साथ मिली जुली रहेगी ना, बातें करती रहेगी, खुश रहेगी। अगर अकेली होती है तो इसके जहन में फिर वही बातें आ जाती हैं। हाँ जी। इसीलिए चलो भी ज्यादा नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत जो भी है उनके साथ
अपनी अपनी भाभियों के साथ मिली रहती है हाँ जी, तो वो खुश रहती है, इसीलिए हम कहते हैं कि चलो थोड़ा बहुत करती रहो उनके साथ। हाँ जी। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या कहा फिर? फिर डॉक्टर ने कहा हो सकते हैं वो टेंशन की वजह कोई थी सकते हो, लेकिन इलाज करो इन्हें। अच्छा। जब तक मैं ना कहा ने 2 महीने लगे, 3 लगे, इन्हें जो है 15 दिन की दवाई दी है। हाँ। 15 दिन के बाद फिर चेक कराना। हर 15 दिन बाद टेस्ट होंगे, चेकअप होगा। हाँ जी। तो दवाई देंगे इंशाल्लाह, जब तक डॉक्टर साहब कहेंगे दवाई इलाज हम मुकम्मल कराएंगे इंशाल्लाह। हाँ, कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिनका कोर्स करना पड़ता है, किसी के डिप्रेशन होती है, दिमाग में डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं ना, ये ऐसा ही मसला है। हाँ। जब अपनी अम्मी से जाके मिलती है, उसके दिल तो करता है कि जाके अम्मी से मिलूं। जी। 2-2 महीने तक महीने तक कहती है मैं नहीं जाऊंगी मैं बीमार हो जाऊंगी। फिर जब उसका दिल करता है कि मैं जाऊं। हाँ। हम रोकते तो नहीं है, जब भी उधर जाके मिलती है उससे, फिर वो वाली बात याद आ जाती है, फिर वो ज्यादा बीमार। हाँ। उधर देखा आपने, एक रात के लिए गई, सुबह को कॉल आ गई कि वो बहुत बीमार है रात से। हाँ। फिर मैंने आपके चाचू को भेजा, मैंने कहा अभी जाओ उसे लेकर आओ। हाँ जी। तो लेकर आए तो हमने जो भी दवाइयाँ वगैरह लेनी थी वो ली हैं, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप भी टेंशन ना लिया करें, क्योंकि आप तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं कि मेरी एक और बेटी आ गई। खुश तो हैं हमारी, चलो ये हमारी बेटियाँ सही नहीं है, या चलो बेटी चलाक है माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन वो दिल लगा था, जब वो उनकी तबीयत को देखते हो तो फिर अब टेंशन हो जाती है, परेशानी हो जाती है। अल्लाह पाक शफा दे उसे, तबीयत हो जाए। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो रोटी खाओ, परेशान ना हो, खाना तैयार हो गया है। ख्याल करे उसके साथ ना, बार बार वही ऐसी बातें ना किया करें, टेंशन ले रही हो, ये ना करो वो ना करो, ऐसी बातें भी ना किया करो। जी जी बिल्कुल, उसे बस अपनी जो हंसी मजाक होती है वही बातें करो। हाँ। चाहे व्लॉग बनाए चाहे कुछ भी करें। जी, अभी जब आप आए तो पूछा हाँ आपकी तबीयत कैसी है, आप क्यों टेंशन ले रही हो, ये है वो है, उसके दिमाग में फिर वही बात आ जाती है। जी। इरफान आया तो फिर वही कहता है, आप रिजवाना आपकी तबीयत कैसी है, आप तो टेंशन ले गई, ये है वो है, ऐसी बातें करते हैं, फिर वो रोने लग गई थी। मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ, मैं उठ के अंदर आ गया। चलो अंदर नहीं करेंगे इस किस्म की टेंशन वाली परेशानी वाली बातें, बिल्कुल ना उससे करें। जी। हंसी मजाक करें, बहन भाइयों वाला प्यार दें, सब कुछ सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। जो चीज उसका दिल करे, खाने के लिए, पीने के लिए, पकाने के लिए, जो चीज भी चीज़ शाय वगैरह ले, उसे ना कभी नहीं करनी। नहीं, वो तो जब भी कहती है हमें पैसे दो, मैंने फलां चीज लेनी है, मैं दे देता हूँ। इरफान के पास कहती है वो दे, हाँ, आपको कहती है जो भी चीज लेनी है वो भी दे देती है, रिजवाना के लिए खर्चा दे देती है। हम कभी भी उससे 1 रुपया नहीं लेते। कहते हैं कि ये आपके ही हैं। जी। उसका दिल करता है तो वो कुछ खर्चा अम्मी को दे देती हैं, कुछ बहनों के लिए देती हैं। नहीं दिल करता तो वो अपने पास रखती है। हमने कभी नहीं ये कहा कि उसको ये टेंशन ना हो कि मेरे पैसे हैं, ये ले गए हैं, ये है वो है। जी। इसीलिए हम उसे खुश देखना चाहते हैं। हाँ, अपनी तरफ से उसे चीजें ले लेकर देते हैं, फ्रूट वगैरह ले आते हैं, खाएं पिए, चलो कुछ खून बने। जी। तो इसीलिए कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। बस जो लिखी होती है होना तो वही होता है, है ना अम्मी? जी, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अभी खाना तैयार है, खाना खा लें, ठीक हो गया। और उधर हम चलते हैं, दादी से भी आज हाल वाल नहीं पूछा, दादी से बात करते हैं। वो तो उधर साकिब की ड्यूटी में लगी हुई है, अभी तक उधर ही बैठी हुई है। वो काफ़ी टाइम से ना साकिब को जब अंदर सुलाया तो उस टाइम से दादी को इधर बिठाया कि दादी आपने आज डिप्टी करनी है, तो ताप से बैठी है माशाल्लाह। हाँ जी, बैठी है साकिब की डिप्टी करते हुए। हाँ जी, बच्चे तो जुटा रहे हैं। हाँ हाँ, सही है। और सुनाओ, तबीयत ठीक है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने कहा जाकर बातचीत कर लूँ, तबीयत का पूछ लूँ। ये तो पूछे ही ना, आज मेरा अपना बुरा हाल है, सबके ऐसे हाल है, सर्दी ने बिल्कुल ज्यादा वार सर पे किया है। सर्दी ने बुरा हाल कर दिया, सर्दी कुटी पे, ये पता क्या करेंगे, ये एक हफ्ता आएगा ऐसे हवाएं चलेंगी ना, और बाहर का जो है माहौल चेंज हो रहा है, अब दरख्त भी हरे हरे हो रहे हैं।
अल्लाह मेहरबानी करे से सियाला गुजार के से दूजा जाए गुजर हुए। हाँ, जब पूरी सर्दियाँ गुजार लें तो ये थोड़े से दिन बाकी हाँ। क्या है, ये भी गुजर जाएंगे। अल्लाह तंदुरुस्ती दे भी आपको। आमीन आमीन इंशाल्लाह। बाकी खैर खैरियत से पहुँच गए थे, कल रब्ता हुआ था। हाँ जी, बाकी पहुँच गए। अच्छा, फिर चाचू तो अभी नहीं आएगा काम पे? आज आख्या की जो मैं उठा के चांगन वाल पानी ले खड़ा है आगे मुझे भी पानी है। अच्छा, वाल काल कितने से जो मैं आज मोटरसाइकिल का नहीं लग गया थे, आज मैं नहीं आ सकता था सवेरे उस संजय लग गया मोटरसाइकिल तो सवेरे उसे ना लग गया था वाल। चलो, अगर बाइक मिल गई तो दोबारा आ जाएगा, नहीं तो फिर इधर ही रहने से आपको क्या टेंशन है। घर में तो काम करने वाली है, बस काम करने वाली है, ये जो बकरी ने से जब मारो ऐसे में आपको बकरियों की टेंशन रहती है। बकरियों की टेंशन है, चलाना वाला है कोई ना, वैसे कोई कहना। हाँ, इतनी घाय कहनी जरा सारा डी से टेंशन है, बकरा माल है जरा होता है सारा डी घाव हो। हाँ, हमारी देखे ना सारा दिन चलती रहती है। हाँ, बकरियां मार दे को बच्चे दे दे। हाँ। चलो अल्लाह से बरकत देवे बकरियां में। चलो आ वैसे जेन ले चा वैसे देखो। मेरे वाला फोन की तरह से कि मैं सवेरे में समय आज नहीं आता। चलो चलो, ठीक है ठीक है।